मतलब कि अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो एक बार x इज इक्वल टू कितना रखोगे अल्फा और एक बार x इज इक्वल टू कितना रखोगे बीटा। समझा क्यों क्या कर रहे हैं? जब कोई इक्वेशन के कोई टर्म रूट होता है तो वह रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू अल्फा रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए और x इज इक्वल टू बीटा रखोगे तभी भी यही आना चाहिए, ठीक है। इसके क्या है रूट है, याद करो हम लोग जीरो इक्वेट करके निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दो रूट आते थे उससे एक रूट होते थे, एक्स वाई की वैल्यू ही तो आती थी वो, एक्स की वैल्यू तो एक्स बराबर कितना रखोगे एक इक्वेशन में अल्फा रखोगे, एक बार एक्स इज इक्वल टू कितना रखोगे अल्फा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस टू बी बाई ए साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। दूसरा रूट क्या होगा स्क्वायर रूट थ्री, जब बीटा रखोगे तो कॉस बीटा प्लस का टू बी बाई ए, यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। देखो इस इक्वेशन में एक बार अल्फा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू अल्फा रखा है, पुट x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा, तो जब अल्फा रखा तो ये इक्वेशन मिल गई, जब बीटा रखा तो ये इक्वेशन मिल गई। ये इक्वेशन वन मिली है, ये इक्वेशन क्या है टू है। अब क्या करते हैं देखो जरा कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दो इक्वेशन मिल गई अलग अलग। अगर इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू तो क्या मिलेगा, यहाँ से रूट थ्री कॉस अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री कॉस बीटा, देखो सी बाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, और प्लस का टू बी बाई ए साइन अल्फा माइनस टू बी बाई ए साइन ऑफ बीटा, क्या हो जाएगा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये मिल गया आपकी इक्वेशन। अब क्या करना है, जरूर जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, इन दो टर्म में रूट थ्री कॉमन है, इन दो टर्म में टू बी बाई ए कॉमन है, आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे जब आप कॉमन लोगे तो इसका बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, यहाँ पे क्या आएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा, और प्लस का यहाँ पे क्या कॉमन है टू बी बाई ए साइन अल्फा, क्या बचेगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू जीरो, मिल गया ठीक है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं पे है ना, बस इतना आपको करना है। सबसे पहले क्या किया b बाई ए क्वेश्चन बनाया, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है b बाई ए फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि जब अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं तो एक बार x इज इक्वल टू अल्फा रखा इक्वेशन ये मिली, x इज इक्वल टू बीटा रखा इक्वेशन ये मिली, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे c बाई ए है और कॉन्स्टेंट को जीरो करना है, दोनों इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर दिया, फिर जो रूट जो कॉमन है कॉमन ले लिया दोनों से है ना। अब ये देखो क्या है cos a माइनस cos b है cos c माइनस cos d, मैंने उसने बताया था फॉर्मूला क्या होता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का क्या होता है माइनस आता है बीच में, याद करो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मतलब कि अगर बात करें cos c माइनस cos d का तो क्या होता है माइनस का टू टाइम्स ऑफ sin c प्लस d बाई टू इन टू साइन c माइनस d बाई टू, कलर नोट्स खोल के देख लीजिएगा ये फॉर्मूला होता है। बस c क्या है अल्फा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा, क्लियर हुआ नहीं हुआ सिंपल, ठीक है। तो जहाँ पे कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा कितना रखोगे माइनस का टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है। अच्छा अब इसको करते हैं रफ, आगे बढ़ते हैं ना, इसको रफ करते हैं आगे जल्दी से, जरा रफ करो इसको, तो ठीक है मैं रफ कर रहा हूँ इसको है ना। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे आप रखोगे कॉस अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पर रखोगे साइन अल्फा माइनस बीटा, और आपको पता है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कितना होगा टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, यही तो होता है नहीं होता है जल्दी से बताओ है ना। जब ये होता है तो ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा कितना मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा कितना होगा माइनस का टू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है। उसके बाद बीच प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए, प्लस का टू बी बाई ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी जगह पे क्या आएगा टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए फट से है ना, इसको मैंने रफ कर दिया है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या है आपका ये ब्रैकेट है, तो ये क्या होगा यहाँ पे इसको ये ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे ये, ठीक है। और ठीक है समझ आया, इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, समझ आया नहीं आया। अब जरा ध्यान से देखो ये रूट थ्री किसके मल्टीप्लाई में, इस वाले के मल्टीप्लाई में है। अच्छा एक चीज बताओ, दोनों इक्वेशन में से कॉमन क्या आएगा, सबसे पहली बात तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू यहाँ भी है, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू यहाँ भी है, दोनों इक्वेशन में से कॉमन ले लीजिए आप, तो जब कॉमन लोगे तो क्या निकलेगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू बाहर हो गया, क्या बाहर हो गया
साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू हो गया बाहर, अंदर क्या बचा माइनस टू रूट थ्री है ना, टू रूट थ्री, और बचेगा क्या साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, उसके बाद यहां पर क्या बचेगा प्लस का टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, फोर बी बाई ए, और क्या बचेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और ये हो गया किसके जीरो के इक्वल। अच्छा ये कभी जीरो हो सकता है नहीं है ना, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि इसको आपने अगर जीरो कर दिया, देखो जरा ध्यान से, अगर आपने साइन अल्फा माइनस बीटा को जीरो कर दिया, ठीक है, बीटा बाई टू को जीरो कर दिया, तो कब जीरो होता है पाई पे जीरो होता है, तो यहाँ इंटरवल क्या चला जाएगा टू पाई चला जाएगा जो कि क्या वैलिड नहीं है, तो जीरो क्या होगा आपका ये चीज, मतलब ये कॉमन लेके कहाँ चला जाएगा जीरो की उधर, तो बचेगा कौन सी इक्वेशन ये बची। अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया पाई बाई थ्री, जब यहाँ पर पाई बाई थ्री को कितना बन जाएगा पाई बाई फोर, पाई बाई थ्री पर पाई बाई सिक्स बन जाएगा, कितना बनेगा पाई बाई सिक्स, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी माइनस का टू रूट थ्री, और यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा रख दीजिए तो पाई बाई थ्री इंटू वन बाई टू कितना हो जाएगा पाई बाई सिक्स है ना, और प्लस का फोर बी बाई ए कॉस ऑफ कितना आ जाएगा पाई बाई सिक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है। अच्छा पाई बाई सिक्स होता कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है 1 बाई टू, कॉस 30 कितना होता है रूट 3 बाई टू है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई टू, ये कितना होगा 1 बाई टू, ये कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई टू, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए कितना निकलेगा 2 बाई रूट 3 इंटू हाफ प्लस 4 बी बाई ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई टू इज इक्वल टू जीरो है ना। अच्छा ध्यान से देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से 2 टू जा फोर कैंसिल आउट है ना, ठीक है। अब देखो इक्वेशन आपके क्या मिल गई है, इक्वेशन मिली है माइनस रूट थ्री, क्या मिली है माइनस रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री बी बाई ए है ना, तो मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इक्वेशन क्या मिली है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री है ना, और प्लस का टू बी बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इज इक्वल टू जीरो है ना, स्क्वायर रूट उधर लेके चले जाओ तो ये क्या निकलेगा यहाँ से आपका निकलेगा इक्वेशन, ठीक है, यहाँ से निकलेगा 2b by a square root of 3 is equal to square root of 3, ये हो जाएगा cancel out, तो 2b by a is equal to आ गया 1 है ना, ये numerical type में था इसमें options नहीं थे आपके, तो b by a is equal to कितना आ जाएगा half, जो कि कितना होगा 0.5, आपको क्या फिल करना था 0.5, ये आपका कोई JEE advanced question है, 2018 है, latest ये आया हुआ है, 2 साल पीछे का है, ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या आया, क्या आपको इसमें और लगा है, देखो जो पूछ रहा है सबसे पहले वो बना लो, क्या पूछा बी बाई ए, तो हमने क्या किया पूरी इक्वेशन में बी बाई ए ढूंढ लिया, बी बाई ए बना लिया, फिर क्या किया देखा अल्फा और बीटा उसके रूट्स थे, तो एक बार एक्स को अल्फा रखेंगे, दूसरी बार एक्स को बीटा रखेंगे, फिर देखो सब्सट्रैक्ट करने के बाद कॉन्स्टेंट सी बाई ए क्या हो रहा है जीरो हो रहा था, तो दोनों इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर दिया, देखो सी माइनस डी बन गया, आपको रास्ता दिख रहा है इसके बाद क्या लग रहा है फॉर्मूले कैसे लग रहे हैं, तो आपको पता चला है फॉर्मूले कैसे आपको अप्लाई करने हैं, तो कंडीशन कब यूज करना है, कंडीशन कहाँ यूज हुआ बाद में, तो अल्फा माइनस बीटा बाई टू क्या हो गया पूरा जीरो, क्यों क्योंकि दोनों कॉमन था इक्वल जीरो था, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा 0.5, क्या है इसमें कुछ भी नहीं था। अगर आप एक बताओ क्या इसमें आपने कोई नया फॉर्मूला लगाया, नहीं ना, जितना पढ़ के आए हो एनसीईआरटी लेवल का उतना ही लगाया ना, ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, और आपने टेंथ में पढ़ाई की उसका अगर वो रूट है तो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं अगर पढ़ा है तो आप समझ लो कि अगर कोई भी चीज अगर किसी का रूट होती है तो वह इस उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका अच्छा था है ना, या बोल सकते हो जो आपसे सॉल्व हो सकता था, ये एडवांस क्वेश्चन है यार, मेन समझो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा है ना, तो डीमोटिवेट कभी मत, तो ठीक है बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सपोज थीटा एंड फाई वेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो, पहले बात जीरो नहीं होंगे, एंड सच दैट सेक थीटा प्लस फाई सेक थीटा एंड सेक थीटा माइनस फाई आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, देन इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ कॉस फाई बाई टू, कॉस थीटा क्या है के टाइम्स ऑफ कॉस फाई बाई टू, ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, यही तो इसका कहने का मतलब है कि के cos थीटा इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ cos फाई, मतलब इसको सॉल्व करो इस फॉर्म में बना लो, LHS में cos थीटा, RHS में cos फाई बाई टू, और जो मल्टीपल होगा cos cos फाई बाई टू का वही क्या हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है, देन फॉर सम k देन k इज इक्वल टू k क्या होगा प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस रूट टू एंड प्लस माइनस वन बाई रूट टू, इसमें से आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ठीक है, तो ये जी मेन्स 2012 क्वेश्चन है ना, तो पहले ये ARRR होता था, इसको आप चाहे ARRR लिख लीजिए, आप जो बुक छोड़ोगे तो हो सकता है आपको उसमें ARRR हम लोग के टाइम पे ARRR मिलता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, अब क्या हो गया JEE हो गया है ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है ना, ठीक है, IIT JEE हो गया है, JEE मेन्स हो गया मेन्स NIT के लिए और एडवांस में क्या हो गया IIT के लिए, ठीक है,
वही चीजें वही है बट आपको कंबाइन कर दिया गया, ठीक है, स्टेप वाइज। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, अगर थीटा और फाई इस तरह है कि sec थीटा प्लस फाई, sec थीटा एंड sec थीटा माइनस फाई आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? वी नो दैट 2b is equal to, if a, b, c are in ap, then 2b is equal to a plus c, है ना? ठीक है, if a, b, c are in ap, then we have 2b is equal to a plus c, that means arithmetic mean is equal to a plus c by 2, है ना? a, b, c अगर आपके arithmetic progression में है, तो b क्या होगा? arithmetic mean होगा, जो कि a plus c by 2 condition को satisfy करेगा, ठीक है? तो यहां से हम लिख सकते हैं, 2b is equal to a plus c, मतलब अगर ये आपका, if this is a, this is b, and this is c, then for AP the condition should be 2b is equal to a plus c, है ना? यहाँ से result आपका क्या निकलेगा? B is equal to कितना है? sec theta है कि नहीं, value put कर दो। B कितना है? sec theta है, तो 2 times of sec of theta is equal to, A कितना है? sec theta plus phi है, तो sec of theta plus phi हो गया, ठीक है? plus c कितना है? sec of theta minus phi, यहाँ से हो गया। अच्छा, इसके बाद करते हैं सिंपलीफाइड फॉर्म में। सिंपलीफाइड फॉर्म में क्या करेंगे? sec थीटा फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, sec थीटा प्लस फाई पढ़ा ही नहीं है, cos थीटा प्लस फाई पढ़ा है, तो क्या करेंगे? हमने अभी तक सीखा क्या है? cos थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला पढ़ा है, cos a plus b, cos a minus b पढ़ा है, sec a minus b नहीं पढ़ा, sec a plus b नहीं पढ़ा, तो इसको cos से sin में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट क्या हो जाएगा? sec केस में कन्वर्ट होगा, cos में कन्वर्ट होगा, तो sec थीटा में क्या लिखेंगे? 2 upon cos थीटा, 1 upon cos थीटा होगा, तो क्या बन जाएगा? 2 upon cos थीटा is equal to, यहां पे क्या आएगा? 1 upon cos of थीटा plus phi, और यहां पर क्या आएगा? 1 upon cos of थीटा minus phi, ठीक है ना? इतना समझ आया? अब इसके बाद स्टेप क्या होगा? आपको दिख रहा होगा आरएचएस में, आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा? ये cos थीटा है, ठीक है? एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा आपका? क्या रिजल्ट आएगा? 2 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे यहां क्या आएगा? cos ऑफ थीटा माइनस फाई प्लस का cos ऑफ थीटा प्लस फाई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? cos ऑफ थीटा प्लस फाई into cos of theta minus phi। अगर किसी को एलसीएम में दिक्कत है तब भी आप बता दीजिए, है ना? ठीक है, मैं उसको भी लेक्चर बना दूंगा, उसमें हंसने वाली बात नहीं है, किसी को भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे दो रिलेशन आपके निकल रहे, दो रिजल्ट आएंगे। पहली बात तो ये cos a minus b plus cos a plus b क्या होता है? cos a plus b plus cos a minus b, मैंने कल क्या बताया था? 2 cos a into cos b होता है। तो ये cos theta minus phi क्या चीज है? cos theta minus phi, है ना? cos theta माइनस फाइव प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव क्या हो जाएगा आपका? 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इनटू कॉस ऑफ फाइव। नहीं यकीन है, नहीं विश्वास है, कॉस थीटा माइनस फाइव क्या होगा? कॉस थीटा इनटू कॉस फाइव प्लस साइन थीटा इनटू साइन फाइव। कॉस थीटा प्लस फाइव क्या होगा? कॉस थीटा इनटू कॉस फाइव माइनस साइन थीटा इनटू साइन फाइव। तो साइन थीटा इनटू साइन फाइव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इनटू कॉस फाइव। दूसरा फॉर्मूला क्या निकलेगा? ये रिजल्ट क्या बोल रहा है? कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव इनटू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, याद है आपका सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर मैंने बताया था, ठीक है? तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव, थर्ड लेक्चर में आप देख लीजिएगा, ये रिजल्ट निकलेगा। अब इन दोनों रिजल्ट को यहाँ पे पुट कर दीजिए आप जल्दी से, जब इन दो रिजल्ट को यहाँ पे पुट करोगे तो कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, है ना? ठीक है, तो मैं कर देता हूँ, है ना? ठीक है, अब जरा ध्यान देखिए, इसको मैं रफ करता हूं और आगे देखता हूं। तो यहां पे क्या होगा? 2 डिवाइड बाय cos थीटा, यहां पे क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा आपका? 2 cos थीटा इनटू cos फाई, 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा इनटू cos ऑफ फाई, और नीचे क्या आएगा आपका? डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर फाई, क्या निकलेगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर फाई। अभी आपके रिजल्ट मिलने लगेगा। अब क्या करना है देखो, 2 से 2 कैंसिल आउट, और इसको क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे 1 होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, चलो रेड पेन नहीं यूज करते हैं, है ना? थोड़ा और रेड नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा इनटू, यहाँ पे क्या होगा? कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को कहां एलएचएस में लिख आएंगे? इसको आरएचएस में, क्योंकि यहां पे भी cos स्क्वायर थीटा है और यहां पे भी क्या है? cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको एलएचएस में लेकर चले आओ जल्दी से। तो ये क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा into cos ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या होगा? sin स्क्वायर फाई। एक चीज बताओ,
यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, पूरा खेल उसी के लिए तो किया गया है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए यहाँ से, जो आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, वन अपॉन वन माइनस कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर फाइव। अब चलो पूरा खेल यहाँ स्टार्ट होगा आपका, है ना, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता दो ध्यान से, एक चीज इतना बताओ, जो आपने रिलेशन निकाला है वहां पे, इधर तो कॉस थीटा है, चलो कॉस थीटा का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर साइन फाई आ रहा है, बट इधर है क्या कॉस फाई है, वो भी कैसा है कॉस फाई बाई टू है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, हाफ एंगल फॉर्मूला, जैसे हाँ साइन थीटा क्या होता है, ये देखो जरा यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा में क्या लगा दोगे, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दोगे, तो हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे लगाओगे यार, है ना, वो सोचो उसके लिए। साइन स्क्वायर फाई को क्या ले सकते हो, वन माइनस कॉस स्क्वायर फाई, याद है साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर फाई, क्योंकि इधर क्या है कॉस फाई है, ठीक है लगाओ जल्दी से, है ना, तो साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ से क्या होगा साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर फाई, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, क्योंकि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई क्या होगा, वन होगा, क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि आज से भी हमको कॉस फाई बनाना है, ठीक है, तो जहाँ पे साइन स्क्वायर फाई है वहाँ क्या रख दोगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर फाई, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वन माइनस कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर फाई। अगर इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, वन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा वन माइनस कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू वन माइनस कॉस फाई, और यहाँ पे क्या होगा इंटू वन प्लस कॉस फाई, क्योंकि ये क्या था वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर फाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, और पूरे रिलेशन से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, जब आपका ये पूरा रिलेशन से कैंसिल आउट हो गया है, तो रिलेशन आपका क्या निकला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या निकला है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस फाई निकला है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, इधर हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो कॉस फाई का क्या लगाओगे, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे, इस तरह की ये वन क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। तो हमने कल पढ़ा था कॉस टू थीटा के तीन फॉर्मुलेस पढ़े थे, और तीन चार फॉर्मुलेस पढ़े थे, जिसमें आपको लगाना कौन सा है कॉस वाला लगाना है, इधर क्या लेके आना है कॉस लेके आना है। तो कॉस टू फाई अगर होता, कॉस टू फाई होता तो क्या लगता, टू कॉस स्क्वायर फाइव माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे क्या है फाइव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फाइव स्क्वायर बाई टू, कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू हाफ एंगल हो जाएगा, अगर इधर फाइव होगा तो इधर फाइव बाई टू, अगर इधर टू फाइव होगा तो इधर टू फाइव, इधर फाइव होगा यहाँ पे फाइव है तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला रहेगा ये वाला कॉस फाइव इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू माइनस वन, रख दो जल्दी से, तो रिलेशन क्या निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट, है ना, जब वन से वन कैंसिल आउट हो गया है तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू कॉस ऑफ फाइव बाई टू। अब आपका जरा क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन क्या बोला गया था, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ कॉस फाइव बाई टू, ये है तो देखो किससे कंपेयर करना है इसको, हमको करना है कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू कॉस ऑफ फाइव बाई टू को कंपेयर करना है cos थीटा इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ cos ऑफ 5 बाई टू, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ से k कितना हो गया प्लस माइनस रूट टू, आपका रिलेशन क्या निकला c, है ना, तो k कितना आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन, कुछ भी है इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन कुछ भी है कुछ भी नहीं है, आपकी दो तीन आइडेंटिटीज लगी हैं, आपको स्टेप्स पता चलेंगे मैंने क्या बोला है, आप रिवाइज करोगे अच्छे से, ये जे मेन्स एडवांस क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपका सोचो यार बोर्ड में कुछ भी नहीं प्रूविंग आती है सिंपल, है ना, तो आपकी आइडेंटिटी वगैरह है प्रूविंग हो जाएगी, टेन थ्री ए टेन फाइव ए सब मैं करवा दूंगा, टेन सिक्स ए, अब मैं ट्रिक्स बताऊंगा यार, मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा तो साइन एन ए आप निकाल सकते हो हंड्रेड ए सिंपल चुटकियों में से, ठीक है, साइन थाउजेंड ए निकाल सकते हो उसको मैं बता दूंगा, ठीक है, सौ ट्रिक्स होती हैं वो ट्रिक्स ने मैथड सी हैं, है ना, तो सीखना तो पड़ेगा यार, है ना, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो आपके थर्ड सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये जी मीन्स 2012 का है, एंटर के लिए पहले होता था, ठीक है, अब बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, तीन क्वेश्चंस चार क्वेश्चंस और करेंगे, थोड़ा लंबा लेक्चर जाएगा, परेशान मत होना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्विजेज डालूंगा तब आपको बहुत मजा आएगा, एडवांस लेवल से भी अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके, खूब मजा आने वाला है, ठीक है, आप बस ऐसे बने रहिए, है ना, ओके, तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलो, हेलो, ठीक है, स्टार्ट, थर्ड क्वेश्चन आप देखिए जरा जल्दी से, अब देखिए आईआईटी है क्या, आपको लग रहा होगा क्या है आपका, क्या होता है ना कि आईआईटी आपसे क्या चाहता है ना, आप सिलेक्शन लेना चाहता है, आप वो चाहता है कि आप कॉन्सेप्चुअल हैं कि नहीं है, दूसरी चीज़ कि आपके अंदर पंचुअलिटी है कि नहीं है, है ना,
दो साल का सिलेबस आपको कवर करना है, ठीक है। अभी अब क्या हो गया, पहले बोर्ड का दोनों इलेवन ट्वेल्थ पहले साथ में आता था, बट अब इलेवेंथ अलग हो गया, ट्वेल्थ अलग हो गया। इससे होता क्या है कि बच्चे वो बोलेंगे कि जब ट्वेल्थ में आता नहीं उसको पढ़ना ही नहीं है, है ना, तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक। सबसे बड़ी बात तो यही गलती कर गए वो। एक साल तक अगर आपने सारी बुक्स नहीं पढ़ी है तो आप एक साल में छः महीने में कोचिंग करके कहाँ से कोई कोटा जाके कहीं से भी, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आप कहीं से भी कोचिंग कर लोगे छः महीने में नहीं निकाल पाओगे, ये तो गारंटी होती है, इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, ठीक है। तो आप इलेवेंथ में कदम रखते हो, इलेवेंथ में आप पहुँचते हो, ठीक है। इलेवेंथ में पहुँच के आप क्या करते हो कि सिंपल आप चीज़ों को देखते हो, है ना, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हो। किसके लिए? पास होने के लिए स्कूल में। यही तो रहा है आजकल, स्कूल वाले फेल कर देते हैं, एक मेथड ने दूसरा मेथड के लिए स्कूल वाले फेल कर देते हैं, ये तो गलत चीज़ हुई स्कूल वालों की, है ना, कॉलेज वालों की, ठीक है, बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेज में तो ऐसा होता है कि उनको हॉस्पिटल भी तक नहीं पता कि हॉस्पिटल होता भी है। हाँ चलो ठीक है, आप मेथड अप्लाई मत करवाओ, मैं नहीं बोलता हूँ मेथड अप्लाई करवाओ, आप किसी बच्ची नहीं देता होगा आपको, है ना, बट लेकिन बच्चों को बताना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवानी चाहिए, है ना, पढ़ाना चाहिए अच्छे से। आप उतना ही टाइम लेते हो एक साल का, उतने टाइम में अलग अलग बंदे जो होते हैं, कुछ चैनल्स बहुत अच्छे हैं, वो पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं आपका, एक एक चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। उतने टाइम में आप क्या दे रहे हो, केवल एनसीईआरटी दे रहे हो, उसका भी सोलूशन साइज नहीं दे पा रहे हो, है ना, गलत चीज़ें करवा दे रहे हो, मतलब कि ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको पहली बात तो पंक्चुअल होना है, अपना टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है, सब कुछ कीजिए आप। मैं नहीं कहता हूँ कि आप सबको छोड़ दीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ में बात रखिए, पढ़ाई दी कीजिए, है ना, जिसका जो एम है पहले एम डिसाइड करो, IIT जाना है, NDA जाना है, है ना, अगर वो नीट का है तो आपका नीट करना है, या कहीं से प्राइवेट कॉलेज से कुछ भी करना है, तो आप अपना एम डिसाइड कर लो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो बिना एम कुछ नहीं हो सकता है ना, विदाउट एम देयर इज नॉट एनी पॉसिबिलिटी, है ना, ठीक है। पहली बात तो यार बिना एम के आप कुछ कर नहीं सकते हो, और दूसरी चीज़ ये होगी कि करने का यार कि आपको अच्छा इंस्टीट्यूट लेना, वहाँ से बीटेक वटेक करना, जो भी आपको करना है बीटेक करोगे, कोई IIT से तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, PSU डायरेक्ट के हायर करेंगी, है ना, वो IIS की थोड़ा अच्छा हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हो जाती है, वहाँ पर आपको प्रोफेसर अच्छे मिलेंगे, है ना, तो वहाँ पर जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें जितना मैं बोल रहा हूँ इतना आप कर लेंगे मैथ्स में, जो 11 के बच्चे हैं तो उनका कन्फर्म है, है ना, और जो 12th के हैं तो उनका भी होगा, बट उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब, क्योंकि हो सकता है उन्होंने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, बायनोमियल पढ़ा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, उस लेवल का ना पढ़ा हो, ठीक है, पढ़े भी होंगे तो उतना ज़्यादा गैप हो जाता है, तो बच्चे गलती यही कर जाते हैं कि रिवाइज नहीं करते हैं। तो जो 11th में वो गलती मत कीजिएगा आप लोग, जो 11th में हो वो कंटिन्यूसली अपने नोट्स अलग प्रिपेयर कर लो, शॉर्ट नोट्स अलग होनी चाहिए, फॉर्मूला बुक, है ना, और न्यूमेरिकल कॉपी अलग होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपका साल कंप्लीट होगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आपके पास पूरा का पूरा आपका मटेरियल हो जाएगा एक, है ना, और वो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अपने हाथ से लिखा हुआ है, आपका बहुत ज़्यादा एक एक घंटा जोड़ के बना हुआ है, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे बोल रहा हूँ उतने चलिए आप, आपका जी कन्फर्म है निकल जाएगा, है ना, ये तो मैं श्योर हूँ, ठीक है। अगर जितना मैंने बोला उतना अगर लड़के ने किया है, नहीं निकला तो पढ़ाना छोड़ूंगा, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की, क्वेश्चन थर्ड क्या है, इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 3/2 एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, देन साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 3/5, 7/5, 4/5 एंड 8/5, ठीक है, क्या होगा ऐसा। तो यहाँ जरा ध्यान से देखो कर क्या सकते हैं। सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या किया है, एक कंडीशन दे दी है, मतलब थीटा क्या है, थीटा हमारा अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, अर्थमेटिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन में दो नंबर्स होंगे अल्फा एंड बीटा, इनके बीच क्या होगा, थीटा होगा। अब ये AKP बन रही है, क्योंकि क्या बोला गया है, सीधा अर्थमेटिक मीन, तो क्या बन रहा होगा, AP बन रहा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमने क्या पढ़ा था, क्या कंडीशन होती है, 2θ इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो जहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा होगा क्या रख देंगे, 2θ रख देंगे, समझ में। ये कंडीशन आपको यूज करनी है। ये कहाँ से आया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आया, AP से आया, है ना, ठीक है। दूसरी चीज़ देखें, यहाँ से दूसरी जगह ध्यान से देखिए, हमारे इक्वेशन तो दो दी गई है, उनको सॉल्व कीजिए पहले। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 3/2, है ना। इधर सॉल्व करते हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इधर क्या दिया गया है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 1/2, है ना। ये cos c प्लस cos d है, ये sin c प्लस sin d है। फॉर्मूला क्या होता था, cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2, नहीं आता है, आप खोल के देखिए पीछे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 cos of alpha plus beta by 2 into sin of alpha minus beta by 2 is equal to कितना होगा, 3/2, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो क्या बनेगा, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी का टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो क्या होगा टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, एक मिनट कॉस होगा ना, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है यहाँ पे क्या होगा टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा हाफ होगा, हाँ ठीक है। अब एक काम कीजिए दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, जब दोनों इक्वेशंस को, अच्छा ये कॉस होता है यार टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये क्या होता है कॉस ऑफ सी प्लस डी साइन सी प्लस डी, देखो कॉस सी प्लस डी क्या होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी प्लस डी क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, है ना, ये आपको इक्वेशन मिल गई। अब क्या करो इन दोनों इक्वेशन क्या कर दोगे आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है तो इक्वेशन डिवाइड वन डिवाइडेड बाई टू या टू डिवाइडेड बाई वन कर दें, इक्वेशन टू इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन, तो उनको रिजल्ट क्या मिलेगा ऊपर आपने इक्वेशन टू लिखी है तो टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू डिवाइड बाई होल डिवाइड करोगे तो टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन कॉस ऑफ इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, है ना, और आर एच एस में क्या होगा ऊपर क्या था यार वन बाई टू था, यहाँ पे क्या है वन बाई थ्री, है ना थ्री बाई टू सॉरी कितना है थ्री बाई टू, कितनी गलतियाँ हो रही हैं कभी कभी हो जाता है ऐसा माइंड सेट से, ठीक है तो यहाँ से टू टू से टू कैंसिल आउट, यहाँ कॉस अल्फा माइनस बीटा कैंसिल आउट, ये क्या बनेगा टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, है ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा टू से टू चला जाएगा वन बाई थ्री आएगा, मतलब इसके बाद आप लिख सकते हो इसके बाद यहाँ पे कि मैं इसको रफ करता हूँ, इसको जल्दी नोट कर लीजिए आप, है ना, तो इसको रफ करते हैं जल्दी से, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस क्या होगा टेन ऑफ है क्या अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कितना आ गया वन बाई थ्री, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है टू थीटा, तो रखोगे जहाँ टू थीटा तो अल्फा प्लस बीटा बाई टू कितना होगा थीटा होगा, मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, मतलब हमको टेन थीटा कितना मिल गया टेन थीटा मिल गया है वन बाई थ्री। अब लेंगे ट्राइंगल की हेल्प, हाँ हमको टेन थीटा मिल गया है, आप किसकी हेल्प लेंगे ट्राइंगल की हेल्प लेंगे, हेल्प लेंगे तो आप छोटा सा ट्राइंगल बना लीजिए, है ना, ये रूल देख लीजिए जरा जल्दी से, है ना, आप टेन होता क्या है टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा वन, बेस कितना होगा ये क्या होगा थीटा, ये तो होता है परपेंडिकुलर ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में टैन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर वन हो गया बेस थ्री हो गया और थीटा ये एंगल हो गया, तो ये बताओ मुझे जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे अगर इसको एक्स ले लिया जाए तो क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा नाइन प्लस वन दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन, हेंस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेन, एक्स कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ टेन, कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ टेन, ठीक है आपको एक्स मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ टेन, है ना। अब एक काम करें साइन थीटा निकाल लें, है ना, उसकी हेल्प से कॉस साइन थीटा निकाल लें कॉस थीटा निकाल लें, ठीक है डायग्राम की हेल्प से, फिर उसके हेल्प से साइन टू थीटा और कॉस थीटा निकालें और हम कहाँ वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर पुट कर दें आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है तो मैं इसे इधर रफ करता हूँ आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको फट से, है ना, फिर आपका क्या होगा रिजल्ट इसके बाद जल्दी से देखिए जरा टेन थीटा कितना है हाफ है, जब टेन थीटा हाफ है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा जरा डायग्राम से देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस तो वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टेन, ठीक है कॉस थीटा कितना होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा थ्री बाई स्क्वायर रूट ऑफ टेन होगा नहीं होगा, साइन थीटा पता है कॉस थीटा पता है तो साइन टू थीटा नहीं निकल आएगा, पहला क्या चाहिए हमको साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बोलो साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा दैट इज टू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टेन इंटू थ्री बाई स्क्वायर रूट ऑफ टेन दैट इज टू इंटू थ्री बाई टेन, क्योंकि स्क्वायर ऑफ टेन इंटू स्क्वायर ऑफ टेन क्या हो जाएगा ग्रुप टेन हो जाएगा, तो टू फाइव जा ये आ गया कितना थ्री बाई फाइव, मतलब कि साइन टू थीटा कितना आ गया थ्री बाई फाइव, ठीक है ठीक। अब बात करते हैं कॉस टू थीटा की, तो कॉस टू थीटा फॉर्मूला क्या होता है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू चाहे साइन में लगा लो चाहे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कर दो या वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कर दो या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दो, कहीं से भी निकालोगे आपको रिलेशन मिल जाएगा, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा कितना निकलेगा तो टू इंटू कॉस थीटा कितना है थ्री बाई रूट टेन, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा नाइन बाई टेन, नाइन बाई टेन हो जाएगा माइनस वन, ये कितना आएगा टू बाई फाइव, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा नाइन बाई फाइव माइनस वन, ये आ जाएगा हमारा टू बाई फाइव, फोर बाई फाइव कितना आएगा फोर बाई फाइव एलसीएम लेने के बाद,
तो cos 2 थीटा कितना आ गया 4 by 5, sin 2 थीटा कितना है 3 by 5, तो बोला क्या गया sin 2 थीटा plus cos 2 थीटा कितना हो जाएगा 3 by 5 plus 4 by 5, तो sin 2 थीटा यहां लिखोगे एक लाइन sin 2 थीटा plus cos of 2 थीटा is equal to sin 2 थीटा कितना है आपका 3 by 5, कितना दिया गया है 3 by 5 plus cos 2 थीटा कितना है 4 by 5, that is 4 by 5 is equal to 4 plus 3 कितना हो जाएगा 7 by 5, आपका रिजल्ट क्या आया 7 by 5। क्या इसमें टफ था, आपको कुछ भी टफ लगा? अभी तक आपने जो पढ़ा है वही आइडेंटिटीज आपकी लग रही है, ठीक है? अभी तक मैंने जो पढ़ाया है, ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, अगर आपका कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो 2-3 मिनट तो मिलते ही है यार, इतना ऐसा नहीं है कि 10 सेकंड में करना होगा, 20 सेकंड में करना होगा ना। तो देखो सारे क्वेश्चन तो बनाने नहीं 100% है ना, आपको 80-90% बना दीजिए अच्छे से, आपका जी क्लियर हो गया, आईआईटी मिल जाएगा आराम से, है ना, आपको भी क्या कॉलेज चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब क्या है, आप कॉन्सेप्ट्स को पकड़िए, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़िए, इधर उधर मत भागिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही चैनल पकड़िए, आपको जहाँ अच्छा लगा हो, जिससे समझ में आता हो आप वो पकड़िए, ठीक है। बट एक स्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, है ना, स्टेबिलिटी रहेगी। बुक्स यूज कीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, अरिहंत की बुक्स हो गई, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप वो यूज कीजिए, एस सी वर्मा फिजिक्स का हो गया, है ना, ठीक है। तो और फिजिकल की आर सी मुखर्जी हो गई, केमिस्ट्री की फिजिकल आर सी मुखर्जी बहुत अच्छी बुक है, तो उसको क्वेश्चन कीजिए, बार बार कीजिए। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, एम ई हो गया, जामिया मिलिया हो गया, आई डी जे ई हो गया, ए ट्रिपल ई पहले होता था, है ना, वो सारी बुक्स, मोहित सारधन की एक बुक है, सारधन की ए ट्रिपल ई की पहले मिलती थी, अगर वो बुक आपको मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं है। आपके मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है, मैथ्स की, पूरा पूरा मैथ्स कवर कर देता है वो, इतना कर लीजिए आप तो आपका बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। बहुत सारे कोचिंग्स वाले भी सब लोग लगभग वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं, विद प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है। फोर्थ में लेट अल्फा बीटा बी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट टू टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू वन, देन द फॉलोइंग इज आर ट्रू। मतलब इज आर ट्रू बोला गया, हो सकता है मल्टीपल चॉइस है, आपके दो ऑप्शंस करेक्ट हो जाए, तीन करेक्ट हो जाए या चार करेक्ट हो जाए, आपको कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इज आर बोला गया, ठीक है। तो आपको देखना है कि यही तो दिक्कत है ना आप तो उस पेपर में, कि आपके दो ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं सिंगल हो, है ना, तो आपको सब चीज़ लेके चलनी पड़ेगी, है ना, कोई कुछ भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जरा ध्यान से देखो इसमें करेंगे क्या, जरा अब देखो आपको ये इक्वेशन दिख रही है वो कुछ भी आपका रिलेट नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं रिलेट हो रहा है आपका, तो जरा देखो ये टेन अल्फा बाई टू है, ये टेन बीटा बाई टू, हर जगह टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू कॉमन है, और कहीं पे साइन चेंज किया गया, कहीं पे स्क्वायर रूट थ्री की वैल्यू को आगे पीछे किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आइडिया कैसे लगाओगे, ये अल्फा बाई टू कैसे आएगा, साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू कुछ ऐसा बनना चाहिए तभी तो आएगा, ठीक है। उसके लिए करेंगे क्या, जब साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू बन रहा है, मतलब कि एक सिंप्लीफाइड तरीका ले ले, है ना, सिंप्लीफाई करें जितना सिंप्लीफाई कोई इक्वेशन हो सके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से, अभी कुछ मिल जाएगा आप करेंगे ना, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करके या रिवर्स करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो इक्वेशन आपको दी गई है उस इक्वेशन पर टू से मल्टीप्लाई करवा दीजिए पहले आप, तो मैं इसको डिवाइड कर ले रहा हूँ, ठीक है। जब टू से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो क्या मिलेगा, टू टाइम्स ऑफ कॉस बीटा माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस का कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू वन। तो कॉस बीटा वाला एक साइड ले लें, कॉस अल्फा वाला एक साइड ले लें, तो यहाँ भी कॉस बीटा है और यहाँ भी कॉस बीटा है, क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा दोनों से, और टू कॉस अल्फा कहाँ चला जाएगा आरएचएस में, तो यहाँ से टू कॉमन हो जाएगा, कॉस बीटा कॉमन हो जाएगा, तो कॉस बीटा आपका कॉमन हो गया, क्या बचा, यहाँ का टू बचा और यहाँ का प्लस कॉस अल्फा बचा, है ना, और ये टू कॉस अल्फा कहाँ चला गया आरएचएस में, तो कितना हो जाएगा वन प्लस टू कॉस ऑफ अल्फा हो गया। अब क्या करें ना कि कॉस अल्फा को एक साइड लिख लें एलएचएस आरएचएस में, कॉस बीटा को एलएचएस में, आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वन प्लस टू कॉस ऑफ अल्फा डिवाइड बाई टू प्लस कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको कोई भी रिलेशन नहीं निकल रहा है, ये कैंसिल आउट भी नहीं होगा। जब आपको ऐसा कभी रेशियो मिले बोथ साइड, तो कंपोनेंडो डिवेंडो आपको पता है, कंपोनेंडो डिवेंडो क्या बोलता है कि अगर आपका एक रेशियो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, नहीं पता मैं बता रहा हूँ, कंपोनेंडो डिवेंडो क्या बोलता है, कंपोनेंडो डिवेंडो क्या बोलता है, अगर आपका रेशियो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, देन यहाँ पे बी ऐड कीजिए, यहाँ से क्या कीजिए ए प्लस बी, देखो बी ऐड किया गया, नीचे क्या किया गया ए माइनस बी, इज इक्वल टू किसके होगा सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी, ये क्या है कंपोनेंडो डिवेंडो डिवेंडो कंपोनेंडो डिवेंडो क्या है, ए बाई बी इक्वल टू अगर सी बाई डी है, अच्छा यहाँ पे वन लिख सकते हैं ना, तो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी ऐसा कुछ है, तो
ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए नहीं, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी, सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो यहां से करेंगे क्या, आप जरा ध्यान से देखो, ए क्या है कॉस बीटा, बी क्या है वन है, हाँ, तो आप सिंपली कंपोनेंट और डिनेंडो लगा देना। इसके बाद एक क्वेश्चन फिफ्थ वाला भी ऐसे ही करवाऊंगा, ठीक है, फिर सिक्स वाला। ठीक, तो जो कंपोनेंट और डिनेंडो लगाओगे तो यहाँ पे ए ये है, बी ये है, तो क्या बन जाएगा, वन प्लस कॉस बीटा डिवाइड बाई वन माइनस कॉस बीटा, ऐसा में तो क्या बन जाएगा, ए बाई बी है तो कॉस बीटा प्लस वन, ए प्लस बी होता है ना, तो क्या बनेगा, कॉस बीटा प्लस वन डिवाइड बाई कॉस बीटा माइनस वन, है ना। यहाँ पे जब लिखोगे तो ए प्लस बी सी बाई डी, ये क्या है सी है, ये क्या है डी है, मैं इसे लिख लेता हूँ, है ना, ये क्या है ए है, ये क्या है बी है, तो ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, ऊपर क्या होगा सी प्लस डी, तो सी कितना है वन प्लस टू कॉस अल्फा, और प्लस डी कितना है टू प्लस कॉस अल्फा, है कि नहीं, डिवाइड में क्या आ जाएगा सी माइनस डी, तो सी कितना है वन प्लस टू कॉस अल्फा, वन प्लस टू कॉस अल्फा माइनस, माइनस डी करोगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस का टू माइनस का कॉस ऑफ अल्फा, ये क्या होगा कंपोनेंट टू डिवेंडो हो गया आपका रूल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सिंप्लीफाई किया, अभी उसका रिजल्ट यहाँ से मिल जाए, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से टू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या बनेगा थ्री कॉस अल्फा, वन प्लस टू क्या बन जाएगा थ्री बन जाएगा, और यहाँ से देखो कॉस अल्फा माइनस हो जाएगा, इससे कॉस अल्फा बचेगा, ये क्या जाएगा माइनस वन, तो कॉस अल्फा आगे लिखिए माइनस वन पीछे लिखना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या बनेगा कॉस बीटा प्लस वन डिवाइड बाई कॉस बीटा माइनस वन इज इक्वल टू, ऊपर क्या बनेगा थ्री प्लस थ्री कॉस अल्फा डिवाइड बाई, नीचे क्या बनेगा कॉस अल्फा माइनस वन। ठीक है, अभी आप कहोगे सिंप्लीफाइड, है ना, ये सिंप्लीफाइड हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर से थ्री कॉमन है, थ्री कॉमन ले लीजिए, तो एलएचएस में क्या होगा कॉस बीटा प्लस वन डिवाइड बाई कॉस बीटा माइनस वन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस वन, लिख सकते हैं इसको, वन को बाद में लिख लिया, डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा कॉस अल्फा माइनस वन। अब देखो आपको दिखने लगा होगा, मैंने क्या बोला था, जहां पे भी वन प्लस कॉस थीटा का टर्म बनेगा वहां पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, है ना। अगर ये 2 बीटा होता तो क्या लगाते 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 बीटा माइनस 1, तो यहाँ पे कॉस बीटा है, मतलब जहाँ पे भी 1 प्लस प्लस 1 है वहाँ पे कॉस स्क्वायर लगाएंगे, है ना, कॉस कॉस 2 थीटा फॉर्मूले में कॉस वाला लगाएंगे, जहाँ पे कॉस बीटा माइनस 1 है वहाँ पे किसका लगाएंगे साइन का लगाएंगे, तो कॉस बीटा के दो फॉर्मूले हैं, आपको 1 को कैंसिल आउट करना है हर जगह पे, है ना, तो सिंप्लीफाइड हो जाता है। ठीक है, यही आपको करना होता है, जहाँ पे 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस थीटा दिखे तो 1 आपको कैंसिल आउट करना है, तो कॉस बीटा के दो फॉर्मूले हो जाएंगे, कॉस बीटा का पहला फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1, एंड सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब दोनों फॉर्मूले रखिए, देखो अगर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर दे तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो गया, अगर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर दे तो 1 कैंसिल आउट, सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है, तो आप फॉर्मूले फर्स्ट रखिए और कुछ सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ से बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1, ये बीटा बाई 2 एंगल है ना। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई और प्लस का 1 पहले से था, यहाँ क्या लिखोगे 1 माइनस साइन वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1, ये देखो कॉस 2 थीटा कॉस 2 बीटा लगते हैं ना, कॉस 2 थीटा के तीन फॉर्मूले चार फॉर्मूले थे, पहला था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा था 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फोर्थ था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो उनको टेन का मतलब ही नहीं है, साइन और कॉस चाहिए, है ना, तो क्या करें जहाँ पे 1 दिखे 1 प्लस दिखे या 1 माइनस दिखे कॉस बीटा कॉस थीटा में, तो जब कॉस 2 बीटा 2 बीटा होता तो 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 लगाते, जब कॉस बीटा है तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, जब कॉस बीटा है तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जब लगाओगे तो 3 टाइम्स ऑफ ये क्या आएगा बताओ जल्दी से 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 और प्लस 1, है ना, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, यहाँ पे कौन सा होगा साइन वाला 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, देखो जरा ध्यान से, यहाँ से यहाँ का 1 कैंसिल आउट, यहाँ का 1 कैंसिल आउट, दूसरा यहाँ का 1 ये क्या 1 कैंसिल आउट और ये 1 कैंसिल आउट, है ना। अब देखो बचेगा क्या, है ना, ये बच रहा क्या है ऊपर क्या बच रहा है 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2, ये क्या बच रहा है 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइड बाई ये क्या बच रहा है 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये बीटा बाई 2 एंगल है ना, इज इक्वल टू इधर क्या बच रहा है 3 इंटू 2, लेकिन माइनस का बच रहा है ना, इधर का बच रहा है 3 इंटू 2
कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, नीचे क्या बचा है माइनस का टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये देखो टू से टू कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये टू से टू कैंसिल आउट, आपका रिजल्ट क्या आ गया देखो जल्दी से। देखो ऐसा कुछ रिलेशन था हमको प्रूव जो करना था है ना, वो टैन बीटा बाई टू टैन अल्फा बाई टू के टर्म में प्रूव करना था ना। तो जरा ध्यान देखो कुछ यहाँ बन रहा है, एक काम करें बीटा वालों को एक साइड लिख लें और अल्फा वालों को एक साइड लिख लें। तो साइन बीटा बाई कॉस बीटा इसको लिख सकते हैं, मतलब इसको रिवर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, इसको रिवर्ट कर दीजिए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन स्क्वायर बीटा बाई टू, क्या बनेगा कॉट स्क्वायर बीटा बाई टू इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ, ये भी क्या बनेगा कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू, बनेगा नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन हो गई हुई। अच्छा कॉट बीटा बाई टू क्या ले सकते हैं, वन अपॉन टेन बीटा बाई टू है ना, ठीक है। अच्छा ये सिंप्लीफाइड है, इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे सॉल्व कर रहे हो है ना। जरा ध्यान से देखो, यहाँ से कॉट बीटा बाई टू के लिए सकते हैं वन अपॉन टेन बीटा बाई टू, इसके लिए सकते हैं वन अपॉन टेन स्क्वायर बीटा बाई टू इज इक्वल टू थ्री इंटू वन अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। अब टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू इधर, टेन स्क्वायर बीटा बाई टू इधर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, ठीक है। अब ले लो वो साइड स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लोगे तो टेन ऑफ अल्फा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, यहाँ के स्क्वायर यहाँ के स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा टेन ऑफ बीटा बाई टू, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, टेन ऑफ अल्फा बाई टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री टेन ऑफ बीटा बाई टू, ये आया नहीं आया, मतलब कि इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो, इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो। देखो दो कटती चार कंडीशन थी, पहला ऑप्शन क्या था टेन अल्फा बाई टू प्लस रूट थ्री टेन बीटा बाई टू सही, सेकंड ऑप्शन क्या था रूट थ्री आ गया था गलत, थर्ड ऑप्शन क्या था टेन अल्फा बाई टू माइनस रूट थ्री टेन बीटा बाई टू। तो ऑप्शन आपके कौन सा करेक्ट हो जाएंगे, एक तो ये प्लस वाला और दूसरा कौन सा माइनस वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए एंड सी, मैच करा लीजिएगा यही होना चाहिए मुझे लग रहा है, मुझे याद है, ठीक है। ये ऑप्शन शायद थे, हाँ ए एंड सी आपका सही होगा, ठीक है। समझ आया आपको, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है आपका जी एडवांस क्वेश्चन है 2017 का, बहुत बहुत दूर का नहीं है आपका, बहुत क्लोज है। क्या था इसमें दिक्कत, सिंपली यहाँ पे पूछा क्या है, देखो दो तीन आइडेंटिटीज बहुत यूज हो रही है, सी प्लस डी बहुत यूज हो रहा है, ए प्लस डी बहुत यूज हो रहा है, एपी जीपी, एपी यूज हो रही है, एचपी यूज हो रही है, जीपी कम हो रही है, हो सकता है जीपी में अगली बार आ जाए है ना। तो आपको एचपी भी यूज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो बंदे गेट गेट उसकी तैयारी करते हैं, गेट नहीं यार गेट, तो जो बंदे किसकी तैयारी करते हैं बोर्ड तैयारी की करते हैं, वहाँ तो एचपी पढ़ेंगे नहीं, तो उनको एचपी लगेगा नहीं, एचपी है क्या एक्चुअल में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सारी फंडामेंटल्स चीज़ें याद होनी चाहिए है ना, इंटरलिंक्ड होना चाहिए सब कुछ, आपके दिमाग से कुछ स्लिप नहीं होना चाहिए, तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, मैथ्स फिजिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, केमिस्ट्री में भी सब कुछ कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है। उसके बाद आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर, आप क्वेश्चन नंबर फाइव करने के बाद कल इसके बाद देखेंगे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना, फिर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अगले दिन चार से पाँच पेजेस में डालूंगा ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं पढ़ाऊंगा बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल के बाद पढ़ाऊंगा मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिर बायनोमियल, उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ा देते हैं, कॉम्प्लेक्स ही स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स अच्छा चैप्टर है, तो पहले पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोला जरूर देख, ठीक है चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी साइन नहीं दिख रहा है ना, बोल क्या रहा है, पर क्वेश्चन देखो, इफ 5 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x - cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos 2x + 9, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ cos 4x इज, आपको क्या चाहिए cos 4x की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है इसके लिए करेंगे क्या, इसको पहले सिंपलीफाइड तरीके से करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे है ना। तो सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, यहां पे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल सा देखो, हाँ cos 4x चाहिए। अच्छा cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, कितनी बार बोला मैंने cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, मतलब कि बोल सकते हैं cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1, देन
कॉस ऑफ 4x कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1। जब यहाँ पे एंगल हाफ हो रहा था तो यहाँ भी हाफ हो रहा था, जब एंगल यहाँ पे डबल हो जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ऑफ 4x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, है ना। अगर ये हमारा फॉर्मूला हो गया है बेसिक, तो हम इसकी हेल्प से पहले कॉस 2x की वैल्यू निकाल लें और कॉस 2x कहाँ पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। इस इक्वेशन में क्या है, कॉस 2x हमको पता करना है, तो किसी तरह कॉस 2x मिल जाए ये वैल्यू। ठीक है, तो कॉस 2x रख दीजिए, आपका रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो करेंगे, देखो tan tan स्क्वायर x है। अब देखो cos 2x का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, tan स्क्वायर x में याद करो, और cos स्क्वायर x में cos फॉर्मूला क्या था। तो सबसे पहले तो बात तो ये हो गई, cos x cos 2x क्या होगा, ये फॉर्मूला ये हो गया। तो यहां से cos स्क्वायर x कितना निकल आएगा इस फॉर्मूले से, इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2। कैसे, 1 इधर गया तो 1 प्लस cos 2x, और 2 से क्या करते हैं डिवाइड कर दिया, तो cos स्क्वायर x कितना आ गया 1 प्लस cos 2x बाय 2। आया नहीं आया, इस फॉर्मूले से आया नहीं आया, सिंपलीफाई हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है हमको, cos स्क्वायर x आ गया, हमको क्या निकालना, tan स्क्वायर x, यहां तो cos 2x है ये। ठीक है, तो tan स्क्वायर x निकाल ले, तो हमको पता है cos 2x का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए जल्दी से, तो ये क्या मिलेगा, cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 2x * tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो एक काम कीजिए आप, tan स्क्वायर x को x साइड और cos 2x को x साइड, तो यहां से ले सकते हैं cos ऑफ 2x * tan स्क्वायर x, है ना, और प्लस का tan स्क्वायर x, ना tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर x बाहर ले लीजिए, तो जब tan स्क्वायर x यहां पे बाहर लेंगे तो क्या निकलेगा आपका, एक मिनट, 1 माइनस cos 2x होगा ना, 1 माइनस cos 2x इधर जाएगा, तो cos 2x जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x। ठीक है, जो tan x बाहर निकलेगा tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 2x, है ना, 1 पहले लिख लिया cos 2x बाद में लिख लिया, इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस cos ऑफ 2x, इसको उधर लेके जाओ, तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 प्लस cos ऑफ 2x। आया नहीं आया रिलेशन, जहां पे tan स्क्वायर x से क्या पुट करते हैं, 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2x, है ना, और जहां पे cos स्क्वायर x से क्या पुट करते हैं, हम ये वैल्यू पुट करते हैं cos स्क्वायर x की, ये वाली, है ना, तो तीनों दोनों वैल्यू पुट कर स्क्वायर x रख दीजिए, cos स्क्वायर x लीजिए रख दीजिए और 2 cos 2x रख दीजिए। इक्वेशन एक बार वेरीफाई करते हैं, 5 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x - cos स्क्वायर x = 2 cos 2x + 9। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x कितना दिया गया है, कितना निकाला आपने, 1 - cos 2x / 1 + cos 2x, ये निकाला है 1 माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 2x, और कॉस स्क्वायर एक्स आपने कितना निकाला है, 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, और माइनस का हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स 2x बाई 2, कितना है, कॉस 2x बाई 2। अच्छा, इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस का 9। अब देखो जहां पे भी कॉस 2x है वहां पे पी ले लें आप, क्योंकि देखो हर जगह cos 2x है, ना कहीं cos x है, ना कहीं sin x है, ना कहीं tan x है, तो cos 2x को आप क्या एज्यूम कर सकते हो, लेट cos 2x = p, अब हो सकता है क्वाड्रेटिक बन जाए या क्यूब बन जाए, हमको नहीं पता, जब बनाएंगे तब पता चलेगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगी सिंपल, वहां से वैल्यू निकाल के देखिएगा आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे जहां पे भी cos 2x से क्या रखते हैं, p रखते हैं, तो क्या बनेगा, 1 - p डिवाइड बाय 1 + p माइनस का 1 + p डिवाइड बाय 2, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, 2p प्लस का 9। ठीक है, जरा यहाँ एलसीएम लीजिए, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 5 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2p और माइनस, मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ, 1 प्लस पी का होल स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस का 2p, है ना, डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस पी। आया कि नहीं आया, इतना इतना अगर आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है ना, इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, इज इक्वल टू है 2p प्लस का 9। ठीक है, इसे 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस पी को इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो मैं ऊपर का स्टेप को रफ कर रहा हूँ, है ना, अब रफ करके मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये सिस्टम को जल्दी से ऊपर आप मल्टीप्लाई कराइए, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो अच्छा, ये 2 माइनस 1 क्या बचेगा, 1 बचेगा, और माइनस 2p क्या बन जाएगा, 4p बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2p 4p बन गया, और ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 4p, 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस का 4p, है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस पी बाहर है और 1 प्लस पी बाहर है, और यहाँ पे क्या है, 2p प्लस का 9 है कि नहीं, क्लियर है। अच्छा, ये 5 अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5p स्क्वायर
माइनस 20p इज इक्वल टू, अच्छा इसको पहले मल्टीप्लाई कर, 2 टाइम्स बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 2p प्लस का 9 प्लस का 2p स्क्वायर और प्लस का 9p, क्लियर हुआ। अच्छा यहां से जरा स्टेप देखिए जल्दी से, ये जब स्टेप करेंगे इसके बाद तो ये क्या बनेगा, 5 माइनस 5p स्क्वायर माइनस का 20p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2p प्लस 9p 11p प्लस का 9 प्लस 2p स्क्वायर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप क्वालिटी बनानी सिंपल, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर जल्दी से तो क्या बनेगा, 5 माइनस 5p स्क्वायर माइनस 20p इज इक्वल टू 22p प्लस का 18 और प्लस का 4p स्क्वायर। सबको आप आरएचएस में लेके चले आइए, है ना, देखो ये क्योंकि इधर क्या पॉजिटिव है तो 5p प्लस 4p क्या हो जाएगा, 9p स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9p स्क्वायर, इस तरह क्या लिखेंगे इधर, ठीक है 22p प्लस 20 क्या हो जाएगा 42p प्लस का 42p, अच्छा 18 माइनस 3 18 और माइनस 3 क्या हो जाएगा 13 प्लस का 13 इज इक्वल टू 0, 18 माइनस 5 क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, तो कितना अच्छा रिलेशन मिल गया। अब यहाँ से देखो जरा इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा 13, फैक्टराइज कर लेना 13 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 9 थ्री 27 और 9 और 11 117 आएगा, ठीक है 11 कितना आएगा 917 आएगा और 13 यहाँ पे क्या किया जाए आपका, यहाँ पे आप इसको ऐसे फैक्टराइज कीजिए कि ऐड करने में 42 आ जाए, तो 13 इंटू 3 कर लीजिए आप, है ना 13 इंटू 3 कर लीजिए, ऐड करने में क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये 39 into 3 तो कितना आ जाएगा, ये भी तो 117 होगा मल्टीप्लाई, है ना, और आ कितना जाएगा, यही चीज आएगी 117 आएगा मल्टीप्लाई, अवॉइड करने क्या आएगा 42p आएगा, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं 9p स्क्वायर प्लस 39p प्लस का 3p प्लस का 13 इज इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन है, 3p कॉमन है, यहाँ से 1 कॉमन है, तो यहाँ से 3p कॉमन लीजिए, ऊपर मैं रख करता हूँ इसको जल्दी से नोट कीजिए पहले से, है ना, यहाँ से 3p कॉमन लेता हूँ, जब 3p यहाँ से कॉमन होगा तो क्या बचेगा, अंदर 3p बचेगा 3p प्लस 13, अच्छा यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3p प्लस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो 3p प्लस 1 दोनों कॉमन, 13 कॉमन दोनों कॉमन, बचेगा क्या वो लिख लो, यहाँ से क्या हो जाएगा 3p प्लस 13 और यहाँ से 3p प्लस 1, ठीक है इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो इसके रूट्स निकाले जल्दी से, तो p का क्या क्या आएगा आपका, p तो आपका आ जाएगा एक, इसको जब इक्वल करोगे 0 के तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू माइनस का 13/3, जब इसको 0 करोगे तो p इज इक्वल टू माइनस का 1/3, है ना, और p था क्या cos 2x, है ना, cos 2x कितना था, cos 2x इज इक्वल टू था माइनस का 13/3 एंड आ गया cos 2x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, क्योंकि p को ही तो cos 2x लेके चले थे। अब जरा हमको देखना पड़ेगा इसकी रेंज क्या है, सॉरी इसके डोमेन क्या है, रेंज, है ना, रेंज देखते हैं, cos x होता तो इसकी रेंज क्या थी, माइनस 1 से 1, चाहे cos x हो चाहे cos थीटा हो, मतलब ये जो ये पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू कभी माइनस 1 से कम और 1 से ज्यादा नहीं जा सकती cos थीटा की, तो 2x थीटा हो गया, तो ये क्या है, देखो 13/3 क्या है, माइनस 1 से लेफ्ट आ रहा नहीं आ रहा है, माइनस 1 से 13 माइनस 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है जो कि इसकी रेंज में नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो गया कैंसिल आउट, बची क्या, देखो माइनस 1/3 क्या है, बीच में है कि नहीं है, माइनस 1 से 1 के बीच में, तो cos 2x क्या हो गया, माइनस 1/3, आपसे पूछा क्या गया था, देन द वैल्यू ऑफ cos 4x, और cos 4x होता कितना है, देखो जल्दी से cos 4x कितना होता है, cos ऑफ 4x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2x माइनस 1, और cos 2x कितना आया है, माइनस 1/3 रख दीजिए, तो माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/9 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 माइनस 9/9, ये कितना आएगा माइनस का 7/9, क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं तो था, है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा, गड्डी, देखो क्या क्या लगा इसमें, है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन था आपका, पहले देखो cos 2x यहाँ पे, cos स्क्वायर x यहाँ पे, tan स्क्वायर x यहाँ पे, तो हमको पता है cos 2x में सब कुछ चेंज कर लें और cos 2x को t ले लें, वहां से क्वालिटी बनाए, क्वालिटी बना के आपका सिंप्लीफाइड आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। आज के कुछ क्वेश्चन इतने रखते हैं क्योंकि देखो आपके लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है तो बहुत लोग को दिक्कत होने लगती है ना, तो अब आज इतने रखते हैं, 5 क्वेश्चन आपके मैंने करवाए हैं जेई के, ये जेई में पूछा गया था, कब पूछा गया था ये क्वेश्चन,
मैंने लिखवाया था, ठीक है। ये जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कब का है? जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा तो कुछ भी नहीं है, देखो मेंस है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, आपको फॉर्मूले जाते हैं, अप्लाई करना आता है तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज देखो कैसे निकलता है यार, ये चीजें कैसे आ रही है, मतलब देखो सिंपल सी चीज है यार, आपका बेसिक क्लियर हो। दूसरी चीज प्रैक्टिस 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 जितना कर पाओ उतना करो यार, आग लगा दो खुद को, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएं, है ना, तो सब कुछ आपका हो जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन टच कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री का, तो सारे क्वेश्चंस कर लोगे यार। अभी क्वालिटी क्वेश्चंस के मैं एक क्वेश्चन से क्वेश्चन कराऊंगा, इनइक्वालिटी के कराऊंगा, मैक्सिमम मिनिमम बताऊंगा, है ना, और प्रॉपर्टीज अगर ट्रायंगल में पढ़ाऊंगी वहां से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ बहुत पार्ट पूछा जाता है आपका, चाहे जेई हो चाहे बोर्ड हो, बट आपके बोर्ड में शायद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिया गया, आपने इसे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, है ना। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। आपके जितने भी दोस्त हैं उनसे बोलिए, अभी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, माइक की प्रॉब्लम है, आवाज की प्रॉब्लम है, वो सब क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज अभी कैमरा मेरे पास नहीं है, ठीक है, अभी लॉकडाउन के लिए तो कैमरे सब कुछ आपकी क्लियरिटी आ जाएगी, जितना भी क्लियरिटी चाहोगे उतनी क्लियरिटी आ जाएगी, आप जैसा चाहोगे वैसा पढ़ाएंगे हम, ठीक है। बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना कीजिए, आपको सिलेक्शन में दे रहा मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, ठीक है, समझ आया। अच्छा इतना आपको क्लियर हुआ, अभी मैथ्स फिजिक्स अभी केमिस्ट्री फिजिक्स के लेक्चर्स नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी डालेंगे, थोड़ा सा टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है ना। तो आप ये देखिए जरा क्या लेवल है, लेवल कुछ भी आपको नहीं लग रहा होगा, है ना, आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें आ जाएंगी, ठीक है, ओके। तो थैंक यू सो मच, है ना, कल मिलते हैं, उससे पहले यार सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।